right now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश में जो आते हैं ग्रामर में पंचुकेशन से, उससे हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल या उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग लिख के उसके बाद उसको हम लोग चेंज करके बताएंगे कैसे ये चेंज होगा, कैसे इसका इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने इसको कैसे पंचुकेशन में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे उससे पहले एक बात बताते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है जो 2015 और 13 दोनों में पूछा है। पहला क्वेश्चन दिया है, रमन सैड टू मी मे आई नो योर नेम भोला बस यहीं तक है। ये 2015 में पूछा है, याद रखिएगा 2015 और 13 दोनों में पूछा है। तो इसको देखिए इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो इंटरचेंज करने का एकदम सिंपल मेथड होगा, सिंपल तरीके से हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे। तो इस देखिए इंटरचेंज करने का या इसको पंचुकेशन में बदलने के लिए कैसे कर देंगे हम लोग। तो राम के इस्तेमाल होता है, तो नाम जानते हैं कभी भी कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो राम राम में से राम क्या हो जाएगा, ये जो इस्तेमाल है इसमें कैपिटल हो जाएगा तो राम लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सैड सैड दिया ना, तो यहाँ पर सैड टू को हम लोग सैड टू में ही रखने देंगे, सैड टू मी है तो मी। अब देखिए यहाँ पे सैड टू आ जाएगा तो हम लोग इससे मतलब ये समझ लेंगे कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या लगता है, कामा फिर इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसके बाद जो भी यहाँ से वाक्य शुरू होगा कैपिटल रहता है, तो मतलब जो मे है तो इसको हम लोग कैपिटल बता देंगे, मे आई हमेशा कैपिटल रहता है, तो मे आई नो योर नेम। उसके बाद भोला में क्या होगा, कैपिटल बी एच एल ए, यही हम लोग का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो देखिए इंटरचेंज करने वाला कितना पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक पॉइंट है, मतलब किसी नाम में हम लोग जानते हैं कि हमेशा कैपिटल लेटर रहता है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे कामा फिर यूनाइटेड कामा नहीं लगाए थे, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में एक चीज़ और, यहाँ पे यूनाइटेड कामा हम लोग बंद कर देंगे। अगला हो जाएगा आई स्मॉल था इसको कैपिटल कर देंगे, भोला का जो नाम था ये भी स्मॉल था इसको भी कैपिटल कर देंगे, और यूनाइटेड कामा हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट दिया है, आई सैड टू श्याम, आई सैड टू श्याम यू विल Not fail, not fail if you hard work, ठीक है ना, बस इतना ही दिया। तो इसमें देखिए क्या क्या इसको हम लोग पंचुकेशन में क्या चेंज करना है ये हम लोग को बता दे रहे हैं। तो इसको हम लोग पंचुकेशन में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आई स्मॉल लेटर है तो इसको आई को कैपिटल कर लेंगे, ठीक है ना, सेट टू है तो सेट टू ही लिखेंगे। देखिए इसमें कितना चेंज करने वाला है, आई सेड टू, अब श्याम में ये स्मॉल है, जब नाम रहता है नाम में इसमें सबसे पहला अच्छा जो रहता है उसे हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, तो इसको श्याम, ठीक है ना। अब कामा फिर नोटेड कामा लगा देंगे क्योंकि यहाँ तक तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग कामा फिर नोटेड कामा लगा देंगे, इसको जो यू यहाँ पड़ेगा इसको कैपिटल कर लेंगे, यू विल नॉट फेल, ठीक ना। अब इसको हम लोग कहाँ फिर न्यूटेड कमा करके फिर से अलग से चाहे तो लिखना लिख सकते हैं, या तो उसी में लिखना चाहे उसी में लिख सकते हैं कि इफ यू हार्ड वर्क, बस न्यूटेड काम हम लोग क्या करेंगे अंत में बंद कर देंगे। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये हम बता दे रहे हैं आप लोगों को 16 और 13 दोनों में पूछा गया, ये दोनों बार पूछा गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें दिया है कि तीसरा क्वेश्चन, ही रोट
याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए हम लोग इससे रिलेटेड बता रहे हैं। ही रोट दिया आई कैन नॉट कम बिकॉज आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। ठीक है ना, तो बस यही है इसका। तो देखिए इसको कैसे हम लोग इंटरचेंज कर, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको कैसे सही करेंगे। तो सही करने का तरीका देखिए क्या करेंगे, ही स्मॉल है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैपिटल में लिख देंगे, तो ही, उसके बाद रोट है तो रोट, ही रोट। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे दिया तो यहाँ से कुछ ना कुछ अलग तो होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग कामा लगा देंगे, क्योंकि ये वाक्य अलग है, तो इस वाक्य को अलग करने के लिए कामा लगा देंगे, उसको यहाँ पे पुलिस स्टॉप या पुलिस स्टॉप या तो कामा कोई एक चीज़ लगा देंगे। वह कहा, अब कहा तो अभी आगे भी कुछ कहा होगा कि आई कैन नॉट कम, तो यहाँ पे सिर्फ कामा लगाएंगे। कामा मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए रुकने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ समय रुका ना, ही रोट वह लिखा, अब लिखा था मतलब कामा लगा देंगे। ठीक है ना, अब क्या लिखा देखिए, आई हमेशा कैपिटल में रहेगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट कम बिकॉज, इसके बाद भी कामा लगा देंगे, क्योंकि एक बाद यहाँ पे अलग हो जाएगा, आई एम इल। बस तो देखिए इसमें कितना चीज़ हम लोग इंटरचेंज किए, मतलब परिवर्तित किए, तो ही में स्मॉल था कैपिटल किए, आई में स्मॉल था कैपिटल किए, अब देखिए यहाँ पे कामा का प्रयोग किए, फिर ये आई का स्मॉल कैपिटल किए। तो ये हम लोग का तीन क्वेश्चन हो गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 2014 और 2015 ये दोनों साल पूछा गया। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है कि इजी कोई क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, कि आई सेड टू सैम, ये तो हो गया माई फादर्स, देख लीजिए दिया है माई फादर हैड टू, सॉरी स्मॉल एम है, ठीक है ना, माई फादर हैड टू क्या दिया, गो इन टू हॉस्पिटल, ही हैड हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे हम लोग बदलेंगे, पंचुगेशन इसका कैसे देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो याद रखिएगा कि ये पहला अक्षर जो रहता है हम लोग हमेशा क्या होता है, कैपिटल आता है, तो कैपिटल में लगा देंगे, तो माय फादर, ठीक है ना, हैड है तो हैड। अब देखिए इसको हम लोग अंत में ले आएंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है ना, कंजक्शन काम करेगा, तो इससे बाद हमेशा आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आता है तो गो है तो गो। ठीक है, अब इसको अंत में लेंगे तो इन टू हॉस्पिटल में हमेशा कैपिटल रहता है हॉस्पिटल, उसके बाद यहाँ पे इसका टू का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद स्मॉल ही रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे तत्काल स्टार्ट हुआ इसलिए स्मॉल रहेगा, ही हैड हार्ट प्रॉब्लम्स, बस ये पुलिस स्टॉप अंत में लगा देंगे। तो बस इसको अलग करने के लिए यहाँ पे कामा का प्रयोग कर देंगे, और देखिए यहाँ पे बस इसको ये हम लोग को चेंज कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग तीन चार क्वेश्चन कर चुके थे, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि ये बोला गया कि व्हाट इज योर नेम, सॉरी हाँ व्हाट इज योर नेम। ठीक ना, व्हाट इज योर नेम, आस्क माई सीनियर। तो आई रिप्लाइड। अब क्या दिया कि माई नेम इज अमित, मान लीजिए हम अपना नाम बता दिए तो बस यहाँ तक। तो देखिए इसमें कैसे इसको हम लोग करेंगे परिवर्तन, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए इसको हम लोग किस में बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलेंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पंचुगेशन में बदलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा।
तो व्हाट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड है तो आस्क्ड माय सीनियर, यहां पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, आई रिप्लाइड माय नेम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आई रिप्लाइड माय नेम इज, माय नेम इज अमित, ध्यान से देखिएगा यहां पे फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन एक चीज का गलती होगा आप लोग, गलती लगेगा यहां पे कुछ नहीं लगेगा तो कॉमा लगेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है ना। तो दो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं रहेगा तो फुल स्टॉप, ये आप लोग ध्यान चाहिए, इसमें गलती ना करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग अगला इसी में कोई था, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया है मोहन सेड आई वेंट टू मेरठ स्टडी, मोहन सेड आई वेंट टू मेरठ स्टडी, ठीक है ना। बस इतना दिया है, इसमें देखिए क्या क्या गलती है, क्या क्या हम लोग को करेक्शन करना है, तो इसको हम लोग करेक्शन करना है, तो देखिए मोहन में ये करेक्शन करना है, यहाँ पे सैड है कामा, फिर न्यूटेड कामा लगाएंगे, फिर ये करेक्शन करेंगे, फिर मेरठ में कैपिटल रहेगा क्योंकि यह स्थान का नाम है मेरठ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो मोहन सैड कामा फिर इन्वर्टेड कामा, आई कैपिटल रहेगा कि नहीं, आई वेंट टू मेरठ, मेरठ में भी कैपिटल रहेगा मेरठ, उसके बाद क्या होगा स्टडे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बस ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लीजिए ये भी कुछ अच्छा सा हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, दिया है कि इसमें क्वेश्चन कि आर यू कमिंग टू स्कूल with your brother, ठीक है ना। बस इतना ही दिया है, मतलब आर यू कमिंग, देखिए दिया है आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर्स, बस इतना दिया है। तो इसमें करेक्शन क्या करना है, पंचुकेशन में ध्यान दीजिए, आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और इसमें अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब ये कोई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हम लोग नियम जानते हैं, और ये पढ़ाया भी गया आप लोगों को, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो या हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो तब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो हो जाएगा आर यू कमिंग टू स्कूल With your brother, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस इतना आप लोगों को कन्विंस करना है या इतना आप लोगों को लगाना है। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को, एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।